हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल शिक्षा सारथी में। आज जो है हम लोग जो है, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग DSE 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें मैंने यूनिट 6 तक कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 7 में आ गई हूँ, जो कि ब्लॉक 2 का पार्ट है। यूनिट 7 ब्लॉक 2 का पार्ट है, तो उसमें हम लोग जो है न्यूबॉर्न्स रूटीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं हम लोगों ने एक न्यूबॉर्न के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो आज उसका टॉपिक होगा न्यूबॉर्न्स रूटीन। ये इसका जो है ये पार्ट 3 होगा, यूनिट 7 का यह पार्ट 3 होगा, ब्लॉक 2, ठीक है, DSE 1। तो जो है कि बच्चे के बारे में हम लोग ये तो जान गए कि उसके मोटर स्किल्स क्या है, ठीक है। छोटा सा जो नया जन्मा हुआ बच्चा है कि वो अपने लंबे और छोटे मांसपेशियों को किस तरह से वो मूव करा पा रहा है, उसकी सेंसरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो किस तरह से सुन रहा है, देख रहा है, टेस्ट कर पा रहा है। इसके अलावा हमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि वह सारा दिन बच्चा करता क्या है, ठीक है। क्या वह सारा दिन सोता है या बीच बीच में ऐसा पीरियड्स होता है, ऐसा सा गैप टाइम होता है जब वह बच्चा बहुत ही एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है ना, सावधान रहता है। ये सब अगर समझ जाए जो देखभाल करने वाला है, वह अगर केयर गिवर अगर ये सब बातें समझ जाए कि अभी बच्चे से क्या आशा की जा सकती है, बच्चे को अभी नींद आ रही है कि बच्चा अभी खेलना चाह रहा है, तो इस तरह से वो सब कुछ जान जाए तो वो बच्चे की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है। एक जो नया जन्मा हुआ बच्चा होता है, शिशु जो होता है, वो करीब एक दिन में 16 से 18 घंटे तक जो है वह सोता रहता है, और करीब 6 से 8 घंटे तक जो है 6 to 8 hours वह बहुत ही सावधान रहता है और एक्टिव रहता है, बहुत ही फुर्तीला रहता है। आपने अगर किसी शिशु को देखा होगा जो कि करीब करीब 1 महीने से ऊपर का है, और बहुत ध्यान से आपने देखा होगा, तो यह पाएंगे कि उसके जो एक्टिविटी के लेवल है ना, उसके फुर्तीलेपन की जो लेवल है, वह दिन के अलग अलग समयों में अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। ज़्यादातर शिशु जो हैं वो बहुत ही गहरी नींद से बहुत ही हल्के नींद तक सोते हैं, और फिर जब वह उठते हैं तो वह रोने लगते हैं। रोने का मतलब है कि उन्हें भूख लगी रहती है, और वो जो है उन्हें बहुत भूख लगी रहती है, और जब हम उस शिशु को खिला देते हैं, उन्हें दूध पिला दिया जाता है, तो उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, फिर से अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं, फिर से खेलने लगते हैं। जब वह अलर्ट होते हैं, सावधान होते हैं, तो वह अपने चारों तरफ देखते हैं और ध्यान देते हैं, अपने जो केयर गिवर अपनी माता उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अगर माता उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, माता बातें कर रही हैं, तो वो माता के ऊपर भी ध्यान देते हैं। फिर वह बच्चा थोड़ी देर बाद ड्राउजी हो जाता है, मतलब कि थोड़ा लगता है कि हाँ, थोड़ा आलसीपना आ रहा है, उसमें उसे नींद आ रही है, ठीक है, और वह फिर से सो जाता है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है, कभी थोड़ी देर फुर्तीला रहेगा, खाएगा पिएगा, फिर सो जाएगा, ये जो साइकिल है गतिविधियों का, एक्टिविटीज़ का जो साइकिल है, यह रिपीट होता रहता है। हर 2-2 घंटे बाद यह रिपीट होता रहता है ना, हर 2-2 घंटे में शिशु को खिलाना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस साइकिल की, कि जब बच्चा फुर्तीला हो, एक्टिव है, उस समय केयर गिवर उसके साथ इंटरेक्ट करे। हाँ, पहले तो वह सो के उठा, वह रो रहा है, उसे खिला पिला दिया जाए, उसके बाद जब वह एक्टिव हो जाए, उस समय केयर गिवर को उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, उसके साथ उसे खिलौने वगैरह दिखाने चाहिए, तो इस तरह जो है बच्चा सीखेगा उस वक्त, ठीक है। बहुत सारे शिशुओं में एक जैसा व्यवहार देखने को मिलता है, कॉमन व्यवहार देखने को मिलता है, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा है, पहले के सेक्शंस में, कि जब वो भूखे होते हैं, रोते हैं, वह उनके मुंह में एक निप्पल लगा दिया जाए तो उसे वो चूसते हैं। हाँ, कोई हिलती हुई कोई वस्तु है जिसे हम इधर से उधर हिला रहे हैं, तो उस पर उनकी निगाहें टिकी रहती हैं, ठीक है। और उनके जो है एक्टिविटी में, उनकी गतिविधियों में अलग अलग तरीके का साइकिल होता है, कभी ये गतिविधि कर रहे हैं, कभी वो गतिविधि कर रहे हैं, इस तरीके का, ठीक है। पर है कि हमने यह सब तो है कि है एक कॉमन बिहेवियर, एक जैसा व्यवहार है सारे शिशुओं का, पर हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा है कि हर एक प्राणी का, हर एक इंसान का जो है अपना एक अलग व्यवहार होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक दूसरे के साथ व्यवहार में, बिहेवियर में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ना, यानी हर एक प्राणी दूसरे प्राणी से अलग है, अपने व्यवहार में, अपनी गतिविधियों में वह दूसरे से अलग है। कोई शिशु कितनी एक्टिविटी कर रहा है, कितनी गतिविधियां कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है, किस तरीके का कर रहा है, वो दूसरे शिशु से अलग हो सकता है। इस तरह वह कितने घंटे सो रहा है, ठीक है, कितने देर में वह खा रहा है, ये सब बातें भी दूसरे शिशु से अलग हो सकती हैं,
साथ ही साथ इमोशनल डिस्पोजिशन और सोशल इंट्रैक्शन, ठीक है, कि भावनात्मक रूप से वो किस तरह से अपने देखभाल करने वाले से जुड़ रहा है, साथ ही उसके आसपास अन्य लोग आ रहे हैं, समाज के लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी एक शिशु का दूसरे शिशु से अलग होता है, ठीक है। कुछ कुछ जो शिशु होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा रोते हैं और उन्हें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, देखभाल करने वाले को उनको ज़्यादा समय देना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है और उन्हें चुप कराने के लिए, है ना। कोई कोई शिशु हम लोग देखते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, और कोई कोई शिशु जो है वो जो है काफ़ी समय तक वह सोते हैं, लंबे समय तक, जबकि दूसरे शिशु कम समय तक सोते हैं। कोई शिशु दूसरों से ज़्यादा अलर्ट होते हैं, सावधान होते हैं, ठीक है। तो हर एक शिशु का कुछ कुछ कॉमन बिहेवियर, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, पर उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं केयर ऑफ द यूनिट, ठीक है, शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए। सारे शिशु जो हैं, सारे बेबीज जो हैं, एक दूसरे से अलग हैं और इसीलिए माता पिता को उनके अलग अलग तरीके से देखभाल करनी पड़ती है। हाँ, कुछ कुछ बातें हैं जो सारे शिशुओं में कॉमन होती हैं, एक जैसी होती हैं, जो कि हर माता पिता को अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जहाँ तक हो सके एक नवजात शिशु को जो है माता का ही दूध पिलाना चाहिए, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि माता और शिशु के बीच में एक तरह का रिश्ता कायम होता है, रिलेशनशिप डेवलप होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे को एक सुरक्षा की फीलिंग आती है, ठीक है, उसे सिक्योर फील होता है और इस तरह उसका अटैचमेंट अपनी माता के साथ बढ़ता चला जाता है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में यूनिट 10 में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। जो पहला मंथ होता है शिशु के जीवन का, तो वह सिर्फ थोड़ा थोड़ा दूध ही पी पाता है, ठीक है। इसीलिए जब भी वह रोता है, हाँ, जब भी उसे भूख लगती है, उसे बार बार दूध पिलाना पड़ता है। यानी कि एक दिन में हर तीन चार घंटे में उसे एक दिन में छः से आठ बार उसे दूध पिलाना पड़ता है, हर तीन चार घंटे के इंटरवल में, जब जब वह रोएगा, ठीक है। तो पहले के शुरू के 3 या 4 महीने तक माता का दूध काफ़ी होता है बच्चे के लिए। उतना पी के बच्चा जो है अपने बॉडी का जितना उसका पोषक तत्व की ज़रूरतें होती हैं वह सब माता के दूध से उसकी पूरी हो जाती है शुरू के 3-4 महीनों तक, ठीक है। शिशु को जो है दूध कहते हैं कि शिशु को जो है पानी भी देना चाहिए शिशु को, ठीक है। अब है कि माता जो उसे दूध पिला रही है वो दूध क्या क्वालिटी कैसा है, हाँ, ज़्यादा अमाउंट में दूध निकल रहा है कि नहीं, पोषक तत्व है कि नहीं उस दूध में, वो डिपेंड करता है कि माता का स्वास्थ्य कैसा है और किस क्वालिटी का वह खाना खा रही है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो माता अपने शिशु को दूध पिलाती हैं, दूध पिलाने वाली माता अच्छी तरह से पोषण ले, अच्छी तरह से खाए, हाँ, उसे अपने बच्चे को साफ रखना चाहिए, ठीक है। खासकर जहाँ उसका अम्बिलिकस एरिया होता है, बच्चे का जो नाभि वाला स्थान होता है, उसे पोछ पोछ के साफ रखना चाहिए ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं वहाँ से नाभि को काटा जाता है ना, नाभि के साथ जो एक पाइप जुड़ा रहता है, नाभि को तो नहीं काटा जाता, नाभि से जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड पाइप जो जुड़ा रहता है माता के साथ, उसे काटा जाता है जब शिशु जन्म लेता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर बच्चे को हम लोगों ने बॉटल से दूध पिला रहे हैं तो उसमें भी कुछ कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। क्या बातें हो सकती हैं, जो दूध हम उनको बॉटल से दे रहे हैं उसकी क्वालिटी हमें देखनी चाहिए, अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं, कंसिस्टेंसी, वह ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला तो नहीं है, ताकि बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं। अगर बहुत ही पतला दूध हम बना देंगे, पानी ज़्यादा डालेंगे, पाउडर दूध कम डालेंगे, तो बच्चे को पोषक तत्व कम मिलेगा, और बहुत ही गाढ़ा बना देंगे तो बच्चे को हजम करने में दिक्कत होगी, तो उसे नॉर्मल रखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम उसे गाय का दूध पिला रहे हैं तो उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें पानी मिला के उसे नहीं पिलाना चाहिए, उसे सिंपल गाय का दूध ही अगर पिलाना है तो पूरी तरह से प्योर गाय का दूध ही पिलाना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसे डाइल्यूट कर देंगे, गाय के दूध में पानी मिला देंगे, तो उसके सारे पोषक तत्व बच्चे को नहीं मिल पाएंगे जितने मिलने चाहिए, ठीक है। और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ही पाउडर मिल्क हम मिला देंगे और पानी कम मिलाएंगे तो वो बहुत ही घन ये हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, हजम नहीं कर पाएगा। इसी तरह जो भी बॉटल हम दे रहे हैं, बॉटल में जो निप्पल लगा रहे हैं उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए, बॉयल करना चाहिए, ठीक है, और ढक के रखना चाहिए। बॉटल को भी हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। जब बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है उस बच्चे को गोद में लेना चाहिए, अच्छे तरीके से पकड़ना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं कि उसके मुंह में दूध लगा के आप छोड़ के चले गए इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके मुंह में दूध लगा के, दूध की बॉटल ला के आप वहीं बैठ के उससे बातें करें, वह धीरे धीरे पिएगा,
ठीक है, और आप उससे बातें करें, उसे देखें, ठीक है, साथ में अपनी गोद में भी आप ले सकते हैं। ऐसे लेने से जो है बच्चे को लगता है कि हाँ उसे स्नेह दिया जा रहा है, उसे सुरक्षित फीलिंग होती है, ठीक है। इसी तरह जो है एक शिशु की जो शारीरिक ज़रूरतें हैं उनको देखने के अलावा भी माता को सिर्फ उसकी ज़रूरतें पूरे करने तक ही नहीं, उससे उसके साथ कुछ समय भी बिताना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी ज़रूरतें पूरी कर दी और माता चली गई, नहीं, माता को उसके साथ समय भी बिताना चाहिए। हाँ, बच्चे से बातें करनी चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसको देख के मुस्कुराना चाहिए, उसे अच्छे से छूना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है बच्चा अपनी माता के साथ उसकी जान पहचान बढ़ जाती है, वह माता को पहचानने लगता है, ठीक है। ऑल्दो जो है नया शिशु बातें नहीं कर पाता, ना ही वो, तो आप मुस्कुराएंगे तो वह वापस आपको मुस्कुरा के जवाब देगा, ऐसा नहीं होगा, पर वह समझता है कि कौन उसकी देखभाल कर रहा है और कौन आदमी उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा इंसान उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब बच्चा समझ पाता है। हाँ, क्योंकि वह उसका रोज़ चेहरा देख रहा है अपनी माता का, और इसीलिए जैसे ही उसकी माता आएंगी बच्चा भी रिस्पॉन्ड करता है, अपने बॉडी को हिलाता है कि हाँ माता मुझे गोद में ले, ठीक है। बच्चा माता के ध्यान देने पे रिस्पॉन्ड भी करता है, प्रतिक्रिया भी देता है, ठीक है। तो ऐसे जो अनुभव बच्चे को होते हैं कि माता आई, माता उसे स्नेह कर रही है, और बच्चा जो है इस तरह से हाथ आगे बढ़ा रहा है कि माता उसे गोद में ले, तो इस तरह बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है। हाँ, बच्चा पहचानने लगता है, पहचानने की शक्ति बढ़ती है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। तो जब से बच्चे ने जन्म लिया तब से बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, उससे कुछ कुछ बातें करनी चाहिए, ताकि जो है उस सारे एरियाज में उसका अच्छे से विकास हो सके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम शिशु के ऊपर, शिशु के बारे में, द इन्फेंट। अब हम लोग और आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब शिशु के बारे में, कि यह जो पीरियड होता है जब शिशु बड़ा हो रहा है, तब वो बढ़ने की रेट भी उसकी काफ़ी तेज़ रहती है, साथ ही विकास की रेट भी बहुत तेज़ रहती है। उसकी जो सेंसरी कैपेसिटीज़ होती है, यानी सुनने की, मतलब दृष्टि की, श्रवण शक्ति की, और सूंघने की, टेस्ट करने की, फील करने की, ये सारी कैपेसिटीज़ जो, ये सारी क्षमताएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती हैं, उनका विकास हो रहा होता है, ठीक है। तो इस सेक्शन में शिशु के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि जब तक वह 1 वर्ष का नहीं हो जाता है, तब तक उसका शारीरिक और मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है। अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे सेंसरी कैपेबिलिटीज़ के बारे में। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि एक नया जन्मा हुआ बच्चा होता है, उसकी सेंसरी कैपेबिलिटीज क्या होती हैं। सेंसरी कैपेबिलिटीज जो है उसकी इंद्रियों की शक्ति, इसीलिए भगवान ने उसे दी है ताकि वह अपने आसपास के जो, जैसे ही वह माता के गर्भ से निकल के बाहर के वातावरण में आया है, तो अपने आसपास के वातावरण के साथ वह एडजस्ट कर पाए, इसीलिए उसे सेंसरी क्षमताएँ उसकी होती हैं, ठीक है। इंद्रियों की क्षमताएँ उसकी होती हैं, पर बच्चे को इससे ज़्यादा ही करना पड़ता है। उसे यह भी ध्यान देना पड़ता है कि किस दिशा से आवाज़ आ रही है, और वह आवाज़ कितनी दूर से आ रही है। हाँ, उसे एक पर्टिकुलर आवाज़, एक पर्टिकुलर ध्वनि को पहचानना भी होता है। हाँ, फिर उसे उस जो व्यक्ति उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसके चेहरे को भी पहचानना होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है जो व्यक्ति उससे इंटरेक्ट कर रहा है उस व्यक्ति की आवाज़ को भी उसे पहचानना होता है। उसे यह भी सीखना पड़ता है कि जब उससे कोई इंटरेक्ट कर रहा है तो उसे कैसे ध्यान देना है, साथ ही किन वस्तुओं पे उसे ध्यान देना है, उसे यह भी सीखना है। और जो बिल्कुल दो एक जैसी देखने वाली चीज़ें हैं, मान लीजिए दो स्त्रियां उसके सामने अगर खड़ी हो गई हैं, तो कौन सी स्त्री उसकी माता है यह भी पहचानना उसे आना चाहिए। मतलब एक जैसी देखने वाली दो चीज़ों के बीच में अंतर करना भी उसे सीखना चाहिए, ठीक है। फिर जो है कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी जो हैं उस पर उसे फोकस करना चाहिए, मान लीजिए अपनी दूध की बॉटल है तो उसे पकड़ना उसे सीखना चाहिए, है ना। तो जो 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 ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस करना उसे सीखना चाहिए, उसके भी विकास होना चाहिए। उसी तरह उसको जो है ध्वनियों के बीच में अंतर करना सीखना चाहिए, कौन सी ध्वनि कैसी होती है। इसी तरह उसे बोलना भी सीखना है, ठीक है। फिर उसको अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर भी करना है, आसपास के वातावरण को देखना है, खोजबीन उसमें करना है, उसको उसके बारे में अच्छे से उसे देखना है, उनके बारे में सीखना है आसपास के वातावरण में। तो
तो ये सब किस पे डिपेंड करता है कि उसकी जो सेंसेस है, उसकी इंद्रिया किस तरह से विकास हो रही है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले साल में उसमें सेंसरी विकास क्या हुआ रहता है। ठीक है, तो पहले है विजन। जब तक जो शिशु जो है वो 2 महीने का होता है, ठीक है, तो उसका जो मस्तिष्क है वह और भी विकास हो जाता है। ठीक है, और उसका जो ये एबिलिटी होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करे, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाता है, कि कुछ कुछ वस्तुओं पे वो पूरा ध्यान दे, वो क्षमता उसकी बढ़ जाती है कि किस तरह से किसी किसी वस्तुओं पे वो बहुत ध्यान दे पाता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है जब तक वो 2 महीने का हुआ है। अब वो बहुत सारी वस्तुओं को देख पाता है जो कि उसके नज़दीक भी उससे दूर भी है। हाँ, इसलिए अब क्या है कि उसके पास यह पॉसिबिलिटी भी है कि जो खिलौने उसके पास रखे हैं उन्हें वह छू कर देख सके, और जो थोड़े से दूर रखे उनको हाथ बढ़ा के वो खींच सके। ठीक है, फिर इसी तरह जो है जब वो दूर में रखी वस्तुओं को वो देख पाता है क्लियरली, तो वह पहचान पाता है उन वस्तुओं को। ठीक है, इसी तरह दूर में जब लोग खड़े हैं उनको भी वो देख के पहचान पाता है, उन अलग अलग लोगों को वह पहचान पाता है जब तक वह 2 महीने का होता है। जब तक बच्चा 2 से 3 महीने का होता है वह छोटी छोटी वस्तुओं को बहुत ध्यान से देखता है और वस्तुओं के डिटेल में वस्तुओं को देखता है, वस्तुओं की एक एक बनावट को वह देखता है। तो इस तरह जो है वो 2 वस्तुओं के बीच में अंतर करना वह सीखता है। ठीक है, वह उन वस्तुओं में जिन्हें वह प्रतिदिन देख के पहचान रहा है और जो नई वस्तुएं हैं उनके बीच में अंतर करना सीख पाता है कि किन वस्तुओं को वह पहचानता है, किन को वह नहीं पहचानता है। ठीक है, जब 3 महीने का बच्चा होता है तो वह जो है अपने माता पिता के चेहरों को दूसरे लोगों के चेहरे से अंतर करना सीख जाता है। इसी तरह 3 महीने तक का बच्चा जो है वह रंगों को भी देख पाता है। रिसर्च ने यह बताया है कि जब तक बच्चा 5 से 6 महीने की उम्र का होता है वह जो है वह अंतर करना सीख जाता है जब उसकी माता पे अलग अलग तरह के भावनात्मक एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, भावनात्मक छाया अलग अलग उसकी माता पे दिखाई देगी, वह उसे अंतर करना सीख जाता है। जैसे कि माता कब उदास है, माता कब डरी हुई है, माता कब खुश है, माता कब अलार्म्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई है, सरप्राइज्ड है, ऐसा सब कुछ में अंतर करना बच्चा देख देख के सीख जाता है और उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, अगर माता के चेहरे में अलार्म दिख रहा है, मतलब माता बहुत ही घबराई हुई है, तो बच्चा भी डर जाता है और रोने लगता है। ठीक है, तो ये जो क्षमता है, ठीक है, यह बच्चे के लिए जो है ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। यह जो क्षमता बच्चे में आती है कि वह अलग अलग भावनात्मक एक्सप्रेशंस के बीच में अंतर कर पा रहा है, यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि बच्चे के लिए होती है। ठीक है, यानी कि वह किसी बच्चे पुरुष किसी भी व्यक्ति के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के वह उसे समझने की कोशिश करता है और उसका मतलब भी समझता है। तो यह उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, 5-6 महीने की उम्र में बच्चे के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, जब जो है बच्चा अलग अलग भावनाओं के बीच में अंतर करना सीख जाता है, पहचानना सीख जाता है, तो इससे क्या है कि उसे लोगों के साथ जो है सोशल इंटरेक्शन करने में, समाज में दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में उसे आसानी होती है। ठीक है, तो हम लोग यह देखते हैं कि बच्चा की जो देखने की क्षमता है वह उसके शुरू के 1 वर्ष तक में वह बहुत ही बेहतर से बेहतर होती जाती है। ठीक है, तो जो बच्चे की जो विजुअल एबिलिटीज़ है, मतलब देखने की क्षमताओं का विकास बहुत ज़रूरी है ताकि वह दूसरी चीज़ों को भी वह अच्छे से कर पाए, इसलिए देखने की क्षमता का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं हियरिंग पे, हाँ, उसकी श्रवण शक्ति पे। ठीक है, आपने यह पढ़ा है कि जो जो छोटा बच्चा जो होता है, शिशु जो होता है, वह जो है बहुत दूर से भी आवाज़ आ रही है तो हाँ, तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे हियरिंग के बारे में, तो बच्चे की जो श्रवण शक्ति शिशु की होती है वह क्या होता है कि वह बहुत दूर तक जो है वह अंदाज़ा लगा पाता है कि किस तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, शुरू के कुछ महीनों में जो है शिशु जो है अलग अलग ध्वनियाँ सुनता है और 6 महीने तक जब वह हो जाता है, 6 महीने का, तब तक वह उसमें यह क्षमता आ जाती है कि वह यह निर्णय ले सके कि यह जो ध्वनि आ रही है वो किस तरफ से आ रही है यह ध्वनि, हाँ, और जो है
वो ध्वनि का सोर्स क्या है, स्रोत कहाँ है, ठीक है, कि किस जगह से आ रही है, कौन सी ध्वनि है, ठीक है, वो बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा पाता है। ठीक है, इसके अलावा जब वह सिर्फ एक ही महीने का होता है शिशु, तो वह अंतर कर पाता है, अलग अलग ध्वनियों की आवाज़ में वह अंतर कर पाता है, जैसे कि जब डोर बेल बज रही है, हाँ, या फिर उसकी माता गाना गा रही है, या फिर दरवाजे में किसी ने नॉक किया, खटखट किया है, तो उनके बीच में वह अंतर कर पाता है। वो कब, जब वह एक ही महीने का होता है उसी वक्त वह अंतर कर पाता है। ठीक है, अच्छा, जो शिशु होते हैं वो एक धुन के प्रति भी वह प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, जब उनको एक अच्छी धुन सुनाई जाए, हाँ, या फिर उनको एक तरह की लोरी सुनाई जाए जो उन्हें तसल्ली दे, या फिर जो है ये जो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ है उसके प्रति भी वह प्रतिक्रिया देते हैं। और बहुत ज़ोर की आवाज़ होगी तो उससे बच्चा परेशान हो जाता है और वह अपने हाथ पैर पूरा छटपटाने लगता है और वह रोने लगता है। ठीक है, हाथ पैरों को वह ऊपर नीचे करने लगता है, रोने लगता है। आपने यह भी पढ़ा है कि एक जो नया शिशु जन्म लिया हुआ शिशु होता है वह माता की आवाज़ को दूसरे आवाज़ों से अंतर कर पाता है। कब, जन्म के कुछ ही सप्ताह के बाद ही, पहले ही सप्ताह में वह जो है अपने जन्म के पहले सप्ताह में ही अपनी माता की आवाज़ को दूसरों की आवाज़ से अंतर कर पाता है। धीरे धीरे बच्चा जो है वह सीखता है दूसरे लोगों की आवाज़ में भी अंतर करना, जैसे अपने भाई बहन की आवाज़ में अंतर करना, अपने पिता की आवाज़ में अंतर करना कि यह पिता की आवाज़ है, यह भाई की आवाज़ है, वह भी वह सीख जाता है। ठीक है, तो जो है ये बहुत सारे रिसर्च से यह पता चला है कि जब शिशु को एक ऐसे हालात में रखा गया था जहाँ पे कि वह माता पिता दोनों को वह देख पा रहा है, हाँ, पर रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सिर्फ वह उनमें की एक की सुन पा रहा है, तो वह उसी पेरेंट की तरफ देखता है, वह उसी माता या पिता की तरफ देखता है जिसकी आवाज़ वह सुन पा रहा है, यानी वह आवाज़ को अंतर कर पाता है। बच्चा यह भी समझ पाता है कि जैसे जैसे हमारे होठ हिलते हैं तो उससे ध्वनियाँ निकलती हैं, यह बच्चा समझ पाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, जो शिशु होते हैं जब जब से वो जन्म लेते हैं तब से जो है वो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ आवाज़ सुनने से उनके गर्दन उधर मुड़ जाती है, वह प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनका प्रतिक्रिया देना, तभी उनका जो है भाषा का विकास हो पाएगा, वही तभी वह आगे बोल भी पाएंगे। इसके बारे में यूनिट 19 में आगे हम लोग और पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इंद्रियां जो हैं स्मेल, टेस्ट एंड टच, है ना, कि सूंघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति और छूने से उनको फील हो इसकी शक्ति। ये तीन जो सेंसर्स होते हैं, तीन जो इंद्रियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित रहती हैं, जितना कि हम लोग मानते हैं उससे ज़्यादा बच्चों में विकसित रहती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है उसकी यह इंद्रियाँ और भी फाइन होती जाती है, और भी तीव्र हो जाती हैं, वह सब कुछ समझने लगता है। ठीक है, स्मेल कर पाता है, टेस्ट कर पाता है, और फिर जैसे ही उसके वातावरण में आप अंतर करेंगे, उसको आप कड़वी चीज़ देंगे तुरंत वह मुँह बना लेगा, तो वातावरण में आप जैसे ही अंतर करेंगे वह उसके प्रति प्रतिक्रिया भी देता है। ठीक है, तो ये सब इंद्रियों के विकास के बारे में हमने पढ़ा। आगे जो है फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास कैसे होगा। आपने देखा कि बच्चे का जो है एक सप्ताह जब वो जन्म लिया है, एक सप्ताह से लेके अगले सप्ताह, उसके अगले सप्ताह, हर बार आप देखेंगे उसमें शारीरिक विकास में बदलाव होते जा रहा है। वो अपनी हाइट उनकी बढ़ती जाती है सप्ताह पे सप्ताह, और उनकी वीक पे वीक जाते जाएगा उनका वजन भी बढ़ता जाता है। जब तक बच्चा एक साल का होता है तब तक क्या हो जाता है, वो जन्म के समय अगर 3 साल का था तो 3 केजी का था अगर जन्म के समय, तो उसका वो 3 गुना 1 साल तक हो जाता है, मतलब कि 1 साल की उम्र में वो 9 केजी उसका वेट हो जाता है। ठीक है, 8 से 9 केजी उसका वेट हो जाता है, और 1 साल में बच्चा की हाइट कितना बढ़ती है, तो 10 से 12 इंच के करीब उसकी लंबाई बढ़ती है। ज़्यादातर जितने भी नसें होती हैं, ये नाड़ियाँ होती हैं, नर्व सेल जो बोलते हैं, ठीक है, नाड़ियाँ जो होती हैं, नर्व सेल्स, वो बच्चे की मस्तिष्क में उसके जन्म के समय से ही प्रेजेंट रहती हैं। मस्तिष्क की नाड़ियाँ पहले से प्रेजेंट रहती हैं। फिर जैसे पहले वर्ष में जो है, आप लोग जानते हैं कि मस्तिष्क की नाड़ियाँ शरीर के सभी अंगों से जुड़ी हुई हैं, तो वह कनेक्शन उनके बीच का जो है वो और भी विकसित हो जाता है, हाँ, और भी नाड़ियों की संख्या भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो बच्चे के सेल्स हैं वो भी साइज में बढ़ने लगते हैं, इसी तरह जो है उसके मस्तिष्क में भी चेंज होता है क्योंकि नाड़ियाँ बढ़ रही हैं, हाँ, जो है तो नर्व्स उसके बढ़ रहे हैं, तो ब्रेन में चेंज होता है, नर्वस सिस्टम जो उसका है पूरा,
नाड़ी तंत्र जो है उसमें भी बदलाव आता है, विकास होता है, जो कि हम लोग नहीं देख सकते पर बच्चों के एक्टिविटीज से पता चल जाता है। तो पहला जो 2 साल होता है जन्म के बाद का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के मस्तिष्क का और उसके नाड़ी तंत्र के विकास होने का। इसी तरह बॉडी का जो शेप, बॉडी का जो आकार है और प्रपोर्शन है, कि जन्म के समय बच्चे का सिर बड़ा रहता है, धड़ छोटा रहता है, तो ये जो प्रपोर्शन है, हाँ, अनुपात है, और ये जो आकार है शरीर का, वो भी काफ़ी हद तक चेंज होता है पहले वर्ष में। जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, नया जन्मा हुआ बच्चा, उसका सर बहुत बड़ा होता है, उसके कंधे पतले पतले से होते हैं, उसके पैर छोटे छोटे से होते हैं, लंबाई में छोटे होते हैं, ठीक है। तो जब 1 वर्ष का जैसे से बच्चा होता जाएगा, उसके जो है पैर लंबे लंबे होते जाते हैं, ठीक है। जब उसके पैर लंबे होने लगते हैं तब अब उसका बॉडी अनुपात में ठीक दिखने लगता है, अब सर काफ़ी बड़ा नहीं दिखता है। जो बोन्स उसके जो हैं, उसकी हड्डियाँ बहुत ही नरम नरम और फ्लेक्सिबल होती हैं, वो हड्डियाँ धीरे धीरे हार्ड होनी शुरू कर जाती हैं। उसके बॉडी में मांसपेशियाँ भी बढ़ने लगती हैं, ज़्यादा मांसपेशियाँ बढ़ने लगती, मांसपेशियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये जितने भी शारीरिक बदलाव हैं, चाहे वो उसका लंबाई बढ़े, उसका वजन बढ़े, उसका मस्तिष्क का विकास हो, उसके नाड़ी तंत्र का विकास हो रहा है, उसके मसल, उसकी मांसपेशियों की कोशिकाएं, मसल टिश्यूज बढ़ रही हैं, बोन्स हार्ड हो रहे हैं, हड्डियां हार्ड हो रही हैं, उसके बॉडी का अनुपात बदल रहा है, ये सब के थ्रू, ये सब मिलके बच्चे के मोटर स्किल्स को बढ़ाते हैं। मोटर स्किल मतलब लंबी मांसपेशियों और छोटी मांसपेशियों द्वारा जो वह काम कर सकता है वह बढ़ता जाता है। पहले बच्चा ठीक से कोई सामान पकड़ नहीं पाता था, वह आसानी से पकड़ पाता है। पहले बच्चा 1 साल का होते थे वह खड़ा होना शुरू होता है, चलना शुरू कर देता है। तो ये सब उसकी मांसपेशियों का विकास हो रहा है। कैसे? जब ये सारे शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, वो सब मिलकर उसकी मांसपेशियों का विकास कर रहे हैं, और इसी कारण उसकी मांसपेशियों की जो क्षमताएँ हैं काम करने की वह बढ़ती जा रही हैं। उसका शारीरिक जो विकास हो रहा है, अब बच्चा बैठ पाता है, खड़ा हो पाता है, धीरे धीरे चलना शुरू करता है, सामान पकड़ना सीख पाता है, फेंकना सीख पाता है, पकड़ना सीख पाता है, बॉल कैच करना, ठीक है। तो ये सब आप आगे भी पढ़ेंगे मोटर स्किल्स में, कि बच्चे ने जो है पहले जीवन के पहले साल में कितने अपने मोटर स्किल्स डेवलप किए हैं, ठीक है। मतलब उसकी लंबी मांसपेशियों और छोटी मांसपेशियों की क्षमताओं को उसने कितना डेवलप किया है, ठीक है। अपने अब हम लोग मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे, है ना, उसके मांसपेशियों की क्षमताओं का, बारीक सूक्ष्म मांसपेशियाँ और जो है लंबी मांसपेशियों की विकास के बारे में बात करेंगे। आपने शिशु को कुछ समय तक अगर ऑब्जर्व किया है, ध्यान से देखा है, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे उसकी जो है मोटर स्किल्स, जो है मोटर क्षमताएँ उसकी कैसे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। जो उसकी जो विकास की क्षमताएं होती हैं, मोटर स्किल्स, मोटर क्षमताएं जो होती हैं, उसको 2 कैटेगरी में हम लोग बातें करते हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल को सकल मोटर क्षमताएं कहते हैं और फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म मोटर क्षमताएं कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है कि जो उसकी लंबी मांसपेशियां हैं, जो कि ग्रॉस मसल्स हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, लंबी मांसपेशियां जो हैं, ग्रॉस मसल्स, लार्ज मसल्स जो है, वो किस तरह से बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, बॉडी के साथ मिलकर वह कैसे काम कर रही हैं, वह ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाएगा। हाँ, जैसे कि उसके कंधे चौड़े हो रहे हैं, हाँ, उसके कोहनियों की मदद से वह कैसे अपने हाथ को फैला पा रहा है, उसके कुल्हे कैसे बढ़ रहे, हिप्स, उसकी पीठ कैसे बढ़ रही है, ठीक है, ये कैसे काम कर रही है, ये सब मिलके जो है ये सारे जगह की मांसपेशियों को हम ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मसल्स की कैटेगरी में लाएंगे। कंधों की मांसपेशियों को, कोहनियों की, एल्बोज की मांसपेशियों को, हिप्स की मांसपेशियों को और पीठ की मांसपेशियों को, ठीक है। तो जब बच्चा दौड़ता है, या चल रहा है, या कहीं चढ़ रहा है, बेड के ऊपर चढ़ रहा है, बॉल फेंक रहा है, बॉल पकड़ रहा है, ये सब में ये लंबी मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सारे काम वह लंबी मांसपेशियों, बड़ी मांसपेशियों की मदद से कर पा रहा है। अब आ जाते हैं सूक्ष्म मोटर क्षमताएं जो होती हैं, ठीक है, जिसमें छोटी मांसपेशियों को यूज़ कर रहा है बच्चा, स्मॉल मसल्स को यूज़ कर रहा है। वो स्मॉल मसल्स कहाँ है? उसके हाथ की कलाइयों में है, रिस्ट ऑफ द हैंड्स में है, ठीक है, हाथ की उंगलियों में है, फिंगर्स ऑफ द हैंड में है, ठीक है। उससे वह क्या कर रहा है? वह कोई चीज़ को पकड़ पा रहा है, उठा पा रहा है, पकड़ पा रहा है,
लिख पा रहा है, पेंट कर पा रहा है, ये सब कब होगा? जब उसकी ये जो सूक्ष्म मोटर क्षमताएं बढ़ती जाएंगी, सूक्ष्म मोटर सूक्ष्म मसल्स का विकास होगा, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स जब उसकी बढ़ेगी तो वह यह सब काम कर पाएगा, ठीक है। तो जो भी ये अचीव करता है बच्चा, उसके जो मांसपेशियों में जो विकास होता है उसके कारण वो जो मोटर क्षमताएं अचीव करता है बच्चा पाता है, वो पहले साल पहले और उसके डेढ़ साल के भीतर, एक और आधे साल के भीतर सब कुछ आता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है पहले साल में उस वह क्या सकल मोटर विकास और सूक्ष्म मोटर विकास क्या होता है। शुरू के 3 महीनों में जो है बच्चा जो है अपने हाथ को इधर उधर हिला सकता है, अपने पैरों से किक मार सकता है, वह अपने पीठ के बल सो सकता है या फिर उल्टा पेट के बल भी सो सकता है, वह अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा रोल कर ले रहा है, लुढ़का ले रहा है साइड साइड में, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह उठ के देखते हैं बच्चा थोड़ी दूर पर पहुँच गया, वो लुढ़क लुढ़क के चला जाता है, ठीक है। और जो है क्या टॉनिक नेक रिफ्लेक्स हो रहा है उसका, ठीक है। क्या टॉनिक नेक रिफ्लेक्स क्या है कि उसके गर्दन में अचानक से कहीं ऐसी ध्वनि सुनाई देगी तो वह अपने गर्दन को इधर उधर टर्न करता है ना, तो जो है इसलिए वह इधर उधर साइड साइड में अपने गर्दन को टर्न करके वह देख पाता है ना, जिधर वो जो है जिधर जिधर अपने गर्दन को टर्न करेगा वो उधर अपने हाथ को भी फैला पाता है, ठीक है। ऐसे ही उसके ऊपर कुछ अगर हम लोग खिलौने लटका के रखे तो वह उनको भी देख पाता है, ठीक है। जो है अगर हम उसके ऊपर जो कुछ खिलौने लटका के रखेंगे शुरू के 3 महीनों में तो वह उनको नहीं देख पाता है, क्योंकि जो है क्योंकि अभी जो उसके ये हैं आँखें जो हैं उसे वह जो है मिड लाइन में नहीं ला पा रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा उतना अच्छे से नहीं देख पा रहा ऊपर अपने, हाँ, क्योंकि वो अपने उसके अभी मिड लाइन में आँखों को नहीं ला पा रहा है तो ऊपर लटकी हुई सामान को वो नहीं देख पा रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 महीने जब होंगे, ठीक है, जब तक 3 महीना पूरा हो गया, अब बच्चा जो है वो अपने गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा पा रहा है, अपने चेस्ट को भी थोड़ा ऊपर उठा पा रहा है, ठीक है। और जो है अब वो अपना सर को थोड़ी देर के लिए ऐसे उठा के रख पा रहा है, मतलब कुछ 5-10 सेकंड के लिए। अब जो है अब वह अपने सर को, पहले सर गर्दन उसकी इधर उधर लुढ़क जाती थी, मिड लाइन में नहीं रहती थी, अब वो अपनी गर्दन को मिड लाइन में रख पा रहा है, ठीक है। अब वो जब आप उसको उल्टा लेटाएंगे, पीठ के बल जब लेटा रहे तब भी वो गर्दन को मिड लाइन में रख पा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर अब हम सब कुछ सामान लटकाएंगे। जब 3 सप्ताह का हो चुका है बच्चा तो वह उस सामान को देख पाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब वह अपने हाथ और पैरों को बहुत तेज़ी से हिला पा रहा है, बहुत ही तेज़ी से, और वह कुछ कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पकड़ तो नहीं पा रहा है, क्या कर रहा है, हिट कर दे रहा है, अगर उसके आसपास कोई तकिया रखा है तो उसके हाथों से उस तकियों में ठोकर लग जा रही है, ऐसा हो पा रहा है। पर वो अभी भी 3 सप्ताह को आ गया, वो कुछ सामान को पकड़ अभी भी नहीं पा रहा है, ठीक है। अभी कोई खिलौने उसके पहुंच के पास आप रखेंगे तो बच्चा उन्हें हाथ या पैरों से ठोकर मार सकता है, वो कोशिश क्योंकि करता है कि हाँ हम टच करेंगे उसको तो वो हाथ पैरों से ठोकर मार सकता है, ठीक है। और जब उसके हाथ के पहुंच के पास आप कुछ सामान को रखेंगे तो उसके हाथ भी वहां तक पहुंच जा रही है, ठीक है, और वह चाहता है कि वह सामान को वह पकड़े, उसे हाथ में पकड़े और उसे वह टच करे, ठीक है। तो जब इस तरह से उसके हाथ की पहुंच में हम कुछ सामान रख रहे हैं और उसकी निगाहें उधर जा रही हैं और वह अपने हाथ से उसे टच करने की कोशिश कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, आंख और हाथों के बीच का कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, वो जिधर देख रहा है उधर से वह सामान को टच करने की कोशिश कर रहा है, तो हाथ भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिधर उसकी निगाहें काम कर रही हैं, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, ठीक है। शिशु अभी भी किसी भी वस्तु को अपने हाथों में पकड़ नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि जो है किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए उसकी जो सूक्ष्म मोटर का विकास नहीं हुआ है, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास अभी नहीं हुआ है, ठीक है। जबकि वो कोई वस्तु तक पहुंच पा रहा है, उसे टच कर पा रहा है या उसे ठोकर लगा पा रहा है हाथ से या पैरों से, यानी कि उसकी जो लंबी मांसपेशियों का विकास हो गया है, जो कि उसकी कोहनियों में है, उसके कंधों पे है, वो लंबी मांसपेशियों का उसका विकास हो गया है, ग्रॉस मसल्स का विकास हो गया है, पर उसके जो फाइन मसल्स हैं सूक्ष्म मांसपेशियां उनका विकास नहीं हुआ है, ठीक है।
इसका मतलब कि पहले लंबी मांसपेशियों का विकास होता है, जैसे कि डेवलपमेंट के सिद्धांत जैसे हैं, विकास के सिद्धांत कि पहले लंबी मांसपेशियों का विकास होता है, फिर आगे जाके बच्चा छोटी मांसपेशियों का विकास होने के बाद वह सीख पाता है कि कैसे कुछ वस्तुओं को पकड़ना है। ठीक है, आप कुछ ऐसे लंबी मांसपेशियों के बारे में या सकल मांसपेशियों की क्षमताओं के बारे में सोच सकते हैं जो बच्चा 4 से 6 महीने में कर पाता है। ठीक है, जब बच्चा 4 से 6 महीने का होता है तो वह अपने आप को जो है पेट के बल रोल कर पा रहा है, अपने शरीर को रोल कर पा रहा है। ठीक है, और वह थोड़ा घिसक के अपने पीठ के बल थोड़ी पीछे भी चला जा रहा है। ठीक है, इस टाइम में माता को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है जब बच्चा 4 से 6 महीने का होता है। क्यों? क्योंकि इस समय अगर बच्चे को ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा बेड से बाहर भी गिर सकता है। ठीक है, जब 5 से 6 महीने का बच्चा होगा तो जो है उसे जब हम लोग उठा के बेड से अगर बैठाने की कोशिश करेंगे या खड़े करने की कोशिश करेंगे तो वह अपने वेट को संभालने की कोशिश करता है, वह अपने वजन की को संभालने की कोशिश करता है ताकि वह दोबारा से गिर ना जाए। कब? जब 5 से 6 महीने का होता है, ताकि वह गिर नहीं जाए। वह अपने कोशिश करता है और कई बार वह कर भी लेता है, अपने वजन को संभाल भी लेता है और बैठ भी जाता है। जब तक वह 6 महीना पूरा हो जाता है, अब वह पूरी तरह से वह बैठ पा रहा है और 1 महीने में अब उसे सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है बैठने की, हाँ अब वह आराम से खुद से बैठ जा रहा है 7वें महीने में। ठीक है, अब जो है अब उसके जो हाथ हैं, हाँ ऊपर के हाथ हैं, आर्म्स से जो हैं और उनको वो मूवमेंट अच्छे से कर पा रहा है, उसका सकल मोटर विकास हुआ है और धीरे धीरे अब उसका सूक्ष्म मोटर विकास भी हो रहा है। अब वह चीज़ों को पकड़ पा रहा है 6 महीने का जब बच्चा हो गया है। अब वह एक हाथ से कोई अपने एक हाथ से कोई सामान को पकड़ के, ठीक है, उन दूसरे हाथ से भी उसको पकड़ के अपने मुंह तक भी वह ला पा रहा है चूसने के लिए। बच्चों की आदत होती है जो भी चीज़ दो तो वह उसे मुँह में डालते हैं। ठीक है, तो मुंह तक वो लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी उसे वस्तु दोगे तो दोनों हाथों की मदद से वो मुंह तक लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों के बाद वो क्या होगा कि वो अपने हाथ को खोल पा रहा है, जो सामान पकड़ा है उसे वह गिरा भी जा पा रहा है, फिर वह उसे पकड़ पा रहा है जो भी उसे दिया जा रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि जो उसे जो उसकी देखभाल करने वाला उसे सामान दे रहा है, उसे बच्चे और उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक तरह से छोटा सा खेल दोनों के बीच में हो रहा है। सामान देने वाला उसे दे रहा है, वह पकड़ रहा है, वह गिरा रहा है बार बार। ठीक है, तो इस तरह बच्चे दोनों खेल के खेल कर पा रहे हैं, उसके साथ खेल सक रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इस तरह खेलते खेलते वह इस क्षमता को पूरी अच्छी तरह से मास्टर कर लेता है, बच्चा अच्छी तरह से सीख जाता है। जब 6 महीने 7 महीने पूरे हो जाते हैं, अब वह जो है एक हाथ से दूसरे हाथ पे सामान को देना वह सीख जाता है। ठीक है, और एक हाथ से में वह कोई एक सामान पकड़ा है तो दूसरे हाथ से सामान उठाना भी वह सीख जाता है। ठीक है, मान लीजिए पहले एक हाथ में उसने सामान उठाया, उसे दूसरे हाथ में उसने रख लिया, फिर पहले हाथ से सामान उठाना भी सीख जाता है। यानी कि अब उसने अपनी उंगलियों के मसल्स को कंट्रोल करना सीख गया है। अब वह जो है कोई सामान आप उसे देंगे, जैसे झुनझुना देंगे तो उसे वो हिला भी पाता है, शेक भी कर पाता है और वो उसे इंजॉय भी करता है। ठीक है, यह जो 6 महीने का बड़ा बच्चा है वह क्या हो रहा है कि वह जो है वह अब जो है लेटे हुए पोजीशन से वह उठ के वह बैठ भी पा रहा है, खुद से अपने आप को उठा के वह बैठ जा रहा है। ठीक है, और वह अपने जो है हिप्स पे बैठा हुआ है। ठीक है, और उसी की मदद से जो है अपने आप इधर उधर वह मूवमेंट भी कर रहा है, बैठ बैठ के भी वह खिसक जा रहा है। ठीक है, अपने हिप्स के बल उसे बैठ बैठ के भी वह इधर उधर से खिसक जा रहा है। ठीक है, अब वह जब लेटा हुआ है उठ के वह खुद से अपने बटक्स पे अपने हिप्स के ऊपर वह मतलब आराम से जैसे बैठने की पोजीशन में बैठ पा रहा है। अब वह अपने हाथों को बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर पा रहा है ताकि उसके आसपास जो वस्तुएं हैं उसको वह पकड़ सके। जब तक बच्चा 7 से 9 महीने का हुआ है, अब वह अपने हाथों की मदद से और अपने घुटनों की मदद से नीज और हैंड्स की मदद से, ठीक है, और अपने पेट को उसने पूरा ज़मीन से उठा लिया है और घुटनों और हाथों को नीचे ज़मीन पर टिकाया हुआ है और वह रेंगना सीखता है, क्रॉल करना। बच्चा ऐसे घुटनों के बल चलते हैं ना, वह सीख जा रहा है कब? 6-7 से 9 महीने के बीच में। अब जब बच्चे ने यह सब कुछ हासिल कर लिया है,
ठीक है। तो अब वह जो है कुल सामान पकड़े पकड़े भी अपने आप को वह बैठा ले रहा है, ठीक है। उसने कुछ सामान को पकड़ लिया है रेंगते हुए, फिर उसे पकड़े पकड़े वह अपने आप बैठ भी जा रहा है। जब वो जो है इस 7 से 9 महीने का हुआ है, 8 महीने का बच्चा जो है वो थोड़ी देर के लिए वो खड़ा हो सकता है जब कोई उसे पकड़ा हुआ है, फिर वह बैठ जाता है क्योंकि अभी उसके कमर के मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं, हाँ वेस्ट के मसल्स। कुछ सप्ताह के बाद जो है बच्चा जो है झुक झुक के अपने घुटनों को भी, बैठे हुए भी अपने घुटनों को टच कर पा रहा है, हाँ अपने कमर को वह झुका रहा है, अपने वेस्ट को और अपने घुटनों को वह टच कर पा रहा है, ठीक है। अब जो है जब वह 1 साल का हुआ, अब उसको इसको अगर हाथ पकड़ाता है तो हाथ पकड़ पकड़ के वह धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 1 साल के बाद वो खुद से भी चलने लगते हैं, और तो वो 13 से 15 महीने के बीच में होना चाहिए, 1 साल के बाद 3 महीने के भीतर बच्चा खुद से चलने लगेगा। शुरू में से चेयर पकड़ा पकड़ा के चलाया जाता है ताकि बच्चा आगे पीछे चल सके, ठीक है। अब जो है जब बच्चा 12 महीने का हो गया, 7 से 12 महीने के बीच में, उस समय उसकी सूक्ष्म मोटर क्षमताओं का विकास होता है। अब वह कोई चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पा रहा है, वह गिराता नहीं है। 7 महीने का बच्चा जो है छोटी छोटी वस्तुओं को अपने फिंगर्स से ऐसे से खुरच सकता है, और तो अभी भी वह उसे उठा नहीं पा रहा है जब वह 7 महीने का है। क्यों? क्योंकि उसके जो अंगूठा है, थंब है, और जो 4 फिंगर्स है, ठीक है, बीच की उंगलियाँ हैं जो, उनके बीच में अभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, इसीलिए कोई सामान को वह पकड़ नहीं पा रहा है, बस हाथों से ऐसे से खुरच रहा है। तो ये जो क्षमता है कि थंब और 4 फिंगर्स के बीच में, बीच की उंगली और अंगूठे के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, संयोग जो होगा, एक दूसरे के साथ जो हेल्प करके काम करेंगे, वह 8 महीने का होता है, ठीक है, 8 महीने का होता है। अब बच्चा जो है कुछ सामान पकड़ पा रहा है, अब उसे आप चम्मच देंगे तो वह खाने का कुछ सामान चम्मच से उठा पा रहा है, अपने कटोरे से, ठीक है, उसे कटोरे में कुछ खाने को आप देंगे तो वह चम्मच से उसे उठा पा रहा है। अब उसे कुछ आप खिलौना देंगे तो उसे उलट के भी वह देख पा रहा है, जब बच्चा 8-9 महीने का हो गया है। 9 से 12 महीने का जब हुआ है, हाँ, तो बच्चा क्या करता है, एक हाथ से किसी सामान को खींच रहा है और फिर दूसरे हाथ में उसे पकड़ के उसे उलट पुलट कर देखता रहता है कि वह क्या है, ठीक है। 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तब वह चीज़ों को फेंकना सीख जाता है, फेंकने लगता है कुछ कुछ चीज़ों को, ठीक है। इसका मतलब अब उसकी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन, संयोग अच्छे से हो रहा है, मांसपेशियाँ एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे उसमें सूक्ष्म और सकल मोटर विकास होते जा रहा है, उन क्षमताओं का विकास होते जा रहा है, अब वो अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहा है, वो देख पा रहा है आसपास क्या क्या है, क्या वस्तुएं कैसी हैं। अब जो है इसमें समय में जो 9 से 12 महीने का बच्चा हुआ है, तो जो नुकसानदेह चीज़ है या ऐसी चीज़ें जो टूट सकती हैं या बच्चा कुछ दवाई ववाई लेके मुँह में डाल सकता है, वो सबको बच्चे के बहुत से दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह का सीक्वेंस है कि धीरे धीरे पहले लंबी मांसपेशियों का विकास होगा, फिर छोटी मांसपेशियों का विकास होगा, हाँ, इसी के हिसाब से बच्चों के खेल की गतिविधियाँ भी बनाई जाती हैं उसी एज के हिसाब से। ये सब आप आगे यूनिट 11 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट, कि इनका क्या महत्व है, इन विकास का क्या महत्व है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे मैचुरेशनल बेसिस एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन फिजिकल सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट, कि वातावरण का क्या असर पड़ता है। इतना पढ़ने के बाद जाके हम लोग का यह यूनिट ख़त्म होगा, ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो जल्दी ही मिलते हैं हम नए वीडियो में। थैंक यू।